खबर कालागढ़ से। कार्बेट टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा पर मौजूद पिलर्स का सत्यापन किया शुरू। कार्बेट टाइगर्स रिजर्व के सीमांकन के मुद्दे को लेकर शासन के निर्देश पर जांच दल गठित किया गया। कालागढ़ स्थित नेचर गाइड ट्रेनिंग सेंटर के सभागार में जांच दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर मंथन के बाद कार्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के धारा ब्लॉक के कक्ष संख्या 2 व 6 में वन क्षेत्रफल तथा सीमा स्तंभों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण दल का गठित किया गया। निरीक्षण दल द्वारा बैरियर संख्या के पीछे स्थित दुर्गा भवन में जांच शुरू की गई। कई अन्य लोगों सहित मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता वीएन सिंह ने जांच दल से कार्बेट नेशनल पार्क की पश्चिम सीमा से जांच करने का आग्रह किया, लेकिन जांच दल कुछ वर्षों पहले दक्षिण की ओर गलत स्थानों पर लगाए गए स्तंभों की जांच करता रहा। काफी जिद्दोजहद के बाद जांच दल द्वारा लकड़घाट तथा पहाड़ की जड़ में स्थित फॉरेस्ट गार्ड चौकी का मुआयना किया गया तथा जांच जारी रखने के लिए कहा गया। बता दें कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांकन का मुद्दा बहुत पुराना है। लंबे अरसे से कार्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांकन की मांग की जा रही है। तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पहल के चलते शासन द्वारा सीमांकन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन मामला कमेटी के गठन तक ही सीमित रहा और सीमांकन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन बीते दिनों कालागढ़ प्रवास के दौरान क्षेत्रीय विधायक तथा विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूरी द्वारा 45 दिन के भीतर सीमांकन कराने का भरोसा दिए जाने के बाद इस दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है। 25/8/22 को कालागढ़ में जांच दल की बैठक हुई, जिसमें धारा ब्लॉक के कक्ष संख्या 2 व 6 की संपूर्ण सीमा एवं क्षेत्रफल का स्थलीय निरीक्षण वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु टीम का गठन किया गया, जिसके अनुपालन में कल दिनांक 1/9/22 को सायं 4 बजे निरीक्षक दल पूरा बैरियर नंबर 1 के पीछे दुर्गा भवन से नाप प्रारंभ की, जिसकी सूचना मुझे लगभग 4 बजे सायं प्राप्त हुई। मैं कुछ सहयोगियों के साथ जांच स्थल पर पहुंचा और जांच दल से कार्बेट नेशनल पार्क की पश्चिम सीमा की जांच करने को कहा, परंतु वह पदाधिकारियों के अनुसार कुछ वर्षों पूर्व दक्षिण तरफ वास्तविक सीमा से बाहर स्थापित गलत स्थानों पर स्थापित स्तंभों की जांच करते रहे। बाद में मेरे निवेदन पर लकड़घाट तथा पहाड़ की जड़ में स्थित फॉरेस्ट गार्ड चौकी का मुआयना किया और जांच दिनांक 2/22 को जारी रखने के लिए कहा गया। हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क की दक्षिणी सीमा की पुष्टि के लिए एक ग्राउंड ट्रूथिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया से लोग हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क की टीम है और हमारे सर्वेयर हैं, हमारे मानचित्रकार हैं हमारे साथ, तो इसमें हम दक्षिण सीमा की पुष्टि कर रहे हैं, आज के लिए यही करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए कालागढ़ से वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।